सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मेकर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कलर टूल्स के बारे में। कलर टूल्स क्या है वो भी एडोब फोटोशॉप के पार्ट 5। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं टेक्निकल मेकर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मित्रों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोटोशॉप के कुछ और टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बार हम कई और टूल्स जैसे कि यह मैजिक वॉन्ड टूल और कलर पिकर और ग्रेडियंट टूल का उपयोग देखेंगे। तो मैजिक वॉन्ड टूल का उपयोग किसी पोर्शन को सिलेक्ट करने के लिए होता है। वह ऑटोमेटिकली अपना पोर्शन जो अनुपयोग में है वह सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने क्लिक की, ऑटोमेटिकली यह पोर्शन सिलेक्ट हो गया। अब इस पोर्शन में मैं ग्रेडियंट देना चाहता हूँ और ग्रेडियंट में यह कलर जो इस फ्लैग के अंदर है उसका देना चाहता हूँ। तो इस कलर को चुनने के लिए मैं कलर पिकर का उपयोग करूँगा। कलर पिकर को चुनने के लिए यह टूल का उपयोग होता है। आप इन तीनों में से कोई भी एक टूल पसंद कर सकते हैं। मैं यह आईड्रॉपर टूल का उपयोग कर रहा हूँ। आईड्रॉपर टूल लेते ही आपका पॉइंटर बदल जाएगा। अब आप जिस कलर को चुनना चाहते हैं वह कलर चुनें। कलर चुनते ही यह पैलेट के अंदर आपका कलर बदल जाएगा। अगर आप इसको सेट फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। उसे सिलेक्ट करते ही कलर पिकर भी आ जाएगा। इसमें से भी आप कलर पसंद कर सकते हैं। यहाँ आप RGB वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप हैश वैल्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ वह कोड भी दिखाई देगा। अगर आप CMYK का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप वैल्यू देख सकते हैं। HSB के उपयोग से भी आप कलर के कोड जान सकते हैं। तो यह कलर पिकर का उपयोग है। अब मैं इस कलर को यहाँ ग्रेडियंट के रूप में फिल करना चाहता हूँ। यह एक ग्रेडियंट टूल है। अगर आप यह पेंट करना चाहते हैं तो पेंट टूल ले और ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट टूल ले। पहले मैं ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ। जिस जगह पर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं उस जगह तक यह लाइन को ड्रॉप करें। तो मेरा फ्लैग ऊपर से ग्रेडियंट में हो गया है। इस तरह आप ग्रेडियंट टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं यह ग्रीन कलर का उपयोग करके पेंट बकेट की मदद से मैं यहाँ कलर फिल करूँगा। सबसे पहले मुझे यह पोर्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यह हो गया पेंट बकेट टूल। तो इस तरह से आप अपने कलर चुन सकते हैं और अपनी इमेज के अंदर भर सकते हैं। धन्यवाद।